के खिलाफ बीएचयू छात्र वाराणसी वीसी आवास के बाहर पहुंचे और विरोध स्वरूप अपना सिर मुंडवाया। छात्रों ने कुलपति आवास का गंगाजल से शुद्धिकरण भी किया। गुस्साए स्टूडेंट ने बीएचयू वीसी गो बैक और इस्लामीकरण बंद करो के नारे भी लगाए। इन्होंने बीएचयू वीसी में माफी और दीवारों पर विवादित नारे लिखने वालों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। ये दरअसल दो तीन दिन से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आप सुन रहे हैं इफ्तार पार्टी हुई। इफ्तार के बाद ऐसा तार जोड़ा कि उस तार के रफ्तार में लोगों ने दीवालों पे ऐसे स्लोगन लिखे जो राष्ट्र विरोधी है और यहाँ के धार्मिक अनुवाद को बढ़ावा दे रहा है, आपसी वैरमनस्ता को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे लोगों की अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभी कोई ठोस निर्णय लिया और सार्वजनिक रूप से वाइस चांसलर महोदय ने कोई माफ़ी नहीं मांगी। इसी के खिलाफ आज उनकी कुत्सित बुद्धि को शुद्धि करने के लिए हम लोगों ने गंगा जल से मंत्र को अभिमंत्रित करके और हम लोगों ने छिड़काव किया ताकि आपकी बुद्धि शुद्ध हो। बस में हमें पिछले एक महीने से पहले CHS लाइट ट्री सिस्टम जो है उसके विरोध में लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तरह तरह के रचनात्मक कार्य भी कर रहे हैं परिषद से लेकर तमाम छात्र संगठन, लेकिन ये वीसी साहब को उसको सुनने तक की फुर्सत नहीं है। जो कि CHS एक ऐसा केंद्र है, एक ऐसा स्कूल है जहां यूपी बिहार के तमाम गरीब बच्चे जो 1.5 लाख से अधिक फॉर्म पढ़ते हैं, जो पढ़ने की लालसा रखते हैं, लेकिन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से सीट बेची जा रही है कहीं ना कहीं, उस मुद्दे पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। हॉस्टल में तमाम कमियां हैं, कहीं पानी वाटर कूलर ख़राब है, कहीं मेस नहीं चल रहे हैं और लड़कियों का अभी मुद्दा है लाइब्रेरी का 24x7 खुला जाए।